गाइस, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि मैंने तो कब के उसके पैसे दे दिए, उसने तो कब का ये शहर छोड़ दिया, उसकी तो कब की शादी हो गई। सो गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं कब का, कब की, कब के। इसकी इंग्लिश आपको नहीं पता ना तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसकी इंग्लिश मैं आपको बता देती हूँ। इसकी इंग्लिश होती है टू लॉन्ग अगो, टू लॉन्ग अगो। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है टू लॉन्ग अगो, टू लॉन्ग अगो। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने तो कब के उसके पैसे दे दिए, आई हैव गिवन हिज मनी टू लॉन्ग अगो, आई हैव गिवन हिज मनी टू लॉन्ग अगो। उसने तो कब का ये शहर छोड़ दिया, सी हैज लेफ्ट दिस सिटी टू लॉन्ग अगो, सी हैज लेफ्ट दिस सिटी टू लॉन्ग अगो। उसकी तो कब की शादी हो गई, सी हैज गट मैरिड टू लॉन्ग अगो, सी हैज गट मैरिड टू लॉन्ग अगो। वो तो कब का चला गया, ही हैज गॉन टू लॉन्ग अगो, ही हैज गॉन टू लॉन्ग अगो। लोग तो कब के गांव छोड़ दिए, पीपल हैव लेफ्ट द विलेज टू लॉन्ग अगो, पीपल हैव लेफ्ट द विलेज टू लॉन्ग अगो।